बात तो मुख्यमंत्री की करते हैं, जहां पर वे जोधपुर दौरे पर हैं और हस्तशिल्प मेले का उन्होंने उद्घाटन किया है। रावण का चबूतरा मैदान में ये आयोजन हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने यहां पर संबोधित भी किया है और नए साल पर सभी को शुभकामनाएं भी दी है और ये भी कहा कि मेला अब ले चुका है बहुत बड़ा स्वरूप। तीसवें उत्सव में आकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आते हैं हस्तशिल्पी। देश में इस मेले की कहीं ना कहीं एक अलग साख है, अलग पहचान है। दूर दराज से दस्तकारों के आने का सीएम ने यहाँ पर अपनी खुशी भी यहाँ पर जाहिर की है और ये भी कहा है कि अब जमाना बदल गया है, नई तकनीक भी आई, हस्तशिल्प बढ़ रहा है तेजी से। प्रदेश के हस्तशिल्प की दुनिया में धूम मची हुई है। हैंडीक्राफ्ट निर्माताओं ने बनाई है अपनी एक अलग पहचान। स्थानीय उद्यमियों की मेहनत देख वे अभिभूत हुए। नई उद्योग नीति की हर ओर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है और तेजी से विकास की राह पर राजस्थान बढ़ रहा है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था ठप्प हो चुकी है। सीएए देश को बांटने वाला कहीं ना कहीं कानून है। खराब अर्थव्यवस्था चिंता का विषय है। एनआरसी और सीएए की जरूरत नहीं है और पहले 8 बार हो चुका है संशोधन। पहले पीएम करते थे मन की बात, अब संशोधन को लेकर दे रहे हैं सफाई। पीएम लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। मैंने तो अमित शाह का जोधपुर में भी स्वागत किया। जीएसटी का पैसा कम मिलेगा, युवाओं को स्टार्टअप के लिए कई सुविधाएं हैं, उद्योग के विस्तार के लिए नीतियां सरल की हैं, 10 करोड़ तक के व्यापार के लिए 3 साल तक जरूरत नहीं है।